पीछे मेरे जो पोस्टर पे सारे महापुरुष हैं, इनको या जो साइड में महापुरुष हैं या और भी हैं, 250-300 तो हमारी नॉलेज में हैं, बाकी और भी हैं निकल रहे हैं, उनकी सबकी अगर देखेंगे तो एक खास बात देखेंगे कि उनके किसी के हाथ में हथियार नहीं है, मगर वो महापुरुष भी हैं, वो क्रांतिकारी भी हैं। और उनकी जो सबसे अहम बात है हथियार ना होने से, वो दूसरी बात यह है कि उनके पास, सबके पास ज्ञान है, जानकारी है। जब अक्षर और किताब आ गए तो पेन भी है और संविधान भी लिखा और भी बहुत सारी बात है। मगर उससे भी बढ़ के एक बात है जो कभी आपने ध्यान नहीं दी होगी, और इसीलिए वो महापुरुष हैं और इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, और इसीलिए हम गुलाम हैं, क्योंकि हमने उनकी वो बात नहीं मानी जो बात उनके अंदर है। कोई आदमी यहाँ कुर्सी पे बैठ के और भाषण दे के चला जाए और वो सारी बातें बताए और वो पांच बातें ना बताएं जो महापुरुष हमेशा से बता के आ रहे हैं, जो आज़ादी का हमारा दस्तावेज है, जो हमें आज़ाद करते हैं, जो हमें दुनिया में गुलाम बनाने से रोकते हैं, जो हमें पूरे शेर का बच्चा बनाते हैं, वो पांच बातें धम्म के अंदर आती हैं। और वो धम्म आम आदमी के लिए सिर्फ पांच बात हैं, वैसे 228 बातें हैं 311 महिलाओं के लिए, मगर उनके लिए हैं जो टीचर हैं, जो भिक्खु हैं, जो भिक्खुणी हैं, जो आम जनता है यानी मेरे जैसे, जो आपके जैसे हैं, उनके लिए सिर्फ पांच बातें ही धम होता है। यहाँ मेरी पत्नी ने कहा कि आपको फूल चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने का हमारे जितना भी सिस्टम है उसमें नहीं है, ना ही पूजा का है, ना ही पाठ का है। चूँकि मेरी पत्नी पंजाब से हैं, उनको लगता है कि मैं यहाँ बात बताऊँगा और मैंने जूते नहीं उतारे और फूल नहीं चढ़ाए तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे कैसा मूर्ख है, हमें बात बताने आया है और खुद यहाँ नीचे झुका नहीं। और यहाँ आके बुद्ध जब मरने वाले थे, तो क्योंकि उन्होंने अपनी जो मृत्यु है वो खुद चुनी, 3 महीने पहले अपनी फाइल उन्होंने अनलॉक कर दी, यानी उन्होंने अपनी फाइल की, अपनी जो डेथ की फाइल थी जिससे आदमी मरता है या औरत मरती है, जीव मरते हैं, वो उनके कंट्रोल में थी, आ जाती है अगर कोई बुद्ध बनता है तो। और 3 महीने पहले उन्होंने कहा कि अब मैंने फाइल खोल दी और 3 महीने बाद इस दिन मैं मर जाऊँगा। जीना उनके हाथ में नहीं था, जन्म उनके हाथ में नहीं था, जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो दिन भी उनके हाथ में नहीं था, मगर मरना उनके हाथ में था। तो उन्होंने पूर्णमासी का वैसाख का दिन चुना और तीनों घटनाएं एक ही दिन हुई, यानी उनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी वैसाख को हुआ, वैसाख की पूर्णिमा जो मई में आती है, जो उनका बर्थ हुआ, जन्म हुआ, वो भी वैसाख पूर्णिमा पर, और उन्होंने अपनी डेथ भी उसी दिन चुनी। तो हमारे लिए तीनों दिन धम्म के उसी दिन आते हैं, ये कमाल की बात है। तो जब बुद्ध मरने वाले थे तो उनको जो लोग थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा, रोने लगे, देखने लगे, तो उन्होंने सबको भगा दिया, कहा जो मैंने सिखाया है वो सीखो, आदमी आता है जाता है उसमें कुछ नहीं रखा, हमें सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। बाबा साहब भी जब चरण छूने आते थे लोग तो डंडे से पिटाई कर देते थे, वो कहते नहीं, पैर नहीं छूना है, पूजा नहीं करनी है, पूजा हमें गुलाम बनाती है, जानकारी हमें शेर बनाती है। इसलिए महापुरुष जितने भी हैं उनको अगर फूल चढ़ाना है तो एक एक किताब यहाँ से खरीद के लेके जाइए, वो उनका फूल है, और उसको पढ़ लीजिए। अभी पढ़ने का चलन बहुत कम हो गया है, इसलिए हमने बहुजन बुक, अशोक बुक और वीडियो बुक बनानी शुरू की हैं। टीम 22 पे 206 बुक हमने बना दी हैं, 400-500 बुक इस बार बना देंगे और लगभग 3000 बुक हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप खाना खाइए और यूट्यूब को अपने टीवी में लगा दीजिए और हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहिए। आपको लगता है कोई बात गलत है आप कमेंट में डाल दीजिए, आपको लगता है कोई बात जान नहीं है आप कमेंट में डाल दीजिए, इतना तो कर सकते हैं। तो अब किताब का भी काम खत्म है, आगे जो चलेंगी वो वीडियो बुक ही चलेगी। इसलिए जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं, वो सब अपनी अपनी वीडियो, जो भी जानकारी है उसको बना के डालें, हम वीडियो बुक से ही जीतेंगे। हमारा नेट में बहुत कम हिस्सा है, गूगल में हमारा बहुत कम हिस्सा है, कोई शब्द अगर आप टाइप करोगे उनकी पूरी दुकान खुल जाती है, हमारा अभी खोखा भी नहीं खुल रहा है, छोटी सी दुकान भी नहीं खुल रही है, इसलिए हमें अधिक से अधिक नेट का यूज़ करना है। ये सारी बातें हैं। तो पाँच बातें जो धम्म में सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो आम आदमी को धम्मिक बनाती हैं, यानी कि जो आम आदमी है वो बुद्ध की बातों को कैसे जानेगा। यहाँ मैं सबको धम्मिक बना रहा हूँ, धार्मिक नहीं बना रहा हूँ। धम्मिक का मतलब है धम्म पे चलने वाला। धम्म बुद्ध से भी बड़ा होता है। जो बुद्ध है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, यानी सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ से बुद्ध कब बने, जब वो धम्म को जान गए, और खाली जानने से नहीं बने। आप यहाँ से धम्म जान के चले जाएँ, आप में से कोई धम्मिक नहीं बनेगा, मगर अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, उस पर चलेंगे, तो आप धम्मिक बनेंगे, तब आप बुद्ध के फॉलोवर बनेंगे, तब आप किसी महापुरुष के फॉलोवर बनेंगे। कहानियाँ सुनने सुनाने से कोई नहीं बनता। कोई आदमी यहाँ बैठ के 50 बात करे और उसके बाद वो धम्म को फॉलो ना करे, उसका अधिकार नहीं है कि वो यहाँ बैठ के कोई बात बताए। इसलिए जब हम प्रचार करते हैं तो हम सारी बातें पक्की करके आते हैं कि हम उसमें बिल्कुल ठीक हैं या नहीं हैं। पाँच बातें जो महापुरुषों ने नहीं की, उसमें पहली बात है पाणाति पाता वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। जो सिक्खा शब्द है इसको ध्यान से देखना, पंजाब में सिक्खा बहुत चलता है। सिक्खा का मतलब होता है शिक्षा और एजुकेशन, पाली में सिक्खा बोलते हैं।
और जो एजुकेशन ले लेता है उसको सिख बोलते हैं। ये जितने भी सिख की पहचान वाले लोग हैं जिन्होंने ऊपर पगड़ियां बांध रखी हैं, जो अपने आप को सिख कहते हैं, उनको पांच बातें अगर वो मानते हैं तो सिख हैं पाली के हिसाब से, और अगर पांच बातें में से एक बातें भी नहीं मानते हैं तो उनका सिख होने का अधिकार खत्म हो जाता है। वो शिक्षाएं क्या हैं, वो सिख क्या हैं? तो पहला बोलते हैं बुद्ध, आम आदमी के लिए बात हो रही है, भिक्कू के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। पाणाति पाता वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी, यानी कि मैं अकारण हत्या नहीं करूंगा, या मैं हत्या नहीं करूंगा, या जीव हत्या नहीं करूंगा, या किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करूंगा। अब हत्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, विस्तृत है। हमें जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है किसी जानवर की हत्या नहीं करनी है, किसी आदमी को नहीं मारना, जान से नहीं मारना है, थप्पड़ नहीं मारना। मगर हत्या सबसे पहली होती है मानसिक हत्या। हमारे जितने लोग हैं उनकी मानसिक हत्या हुई है। दूसरी हत्या होती है वाचसिक हत्या, यानी कि वचन की, यानी कि उनके बोलने नहीं दिया जाएगा। तीसरा है कायिक हत्या। कायिक का मतलब है काया की, शरीर की हत्या। कायिक हत्या, शरीर की हत्या सबसे घटिया हत्या होती है, इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर मानसिक हत्या जो होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। उसमें आदमी जीवित तो रहता है मगर जानवर की तरह रहता है, क्योंकि उसको मन को मार देते हैं। तो मन को अगर आपके किसी ने मार दिया, जैसे कहते हैं बच्चे का मन, बच्चा कहता है कि मुझको ये खिलौना लेता है, और माँ ने कह दिया भग जा कोई खिलौना नहीं लेना, तो आपने उसके बच्चे को मन को मार दिया। बच्चा कहता है कि जरा मुझे पापा ये बताओ कि ये जो चीज़ है कैसे बनती है या कैसे आती है, वो प्रश्न पूछ रहा है। आपको जवाब नहीं आता, आप उसे जवाब देना नहीं चाहते, या प्रश्न ऐसा है आपको लगता है आपने उसका मन मार दिया। आपकी पत्नी ने कहा था मुझे तो वहाँ घूमने जाना है आज, मैंने जरा थका हुआ है, उसका मन मार दिया। ये छोटे छोटे मन मारने हैं, मगर बड़ा मन जो मारना है, जो मनुष्य को पूरी तरह से मारता है समूह में और सामूह के रूप में, और भारत के अंदर चलता है, वो चलता है कि इसको घोड़े पर नहीं चढ़ने देना है, इसको अच्छा कपड़ा नहीं पहनने देना है, इसको अच्छा खाना नहीं खाने देना है, इसको मूछ नहीं रखने देनी है, इसको पढ़ने नहीं देना है, इसको बढ़िया नौकरी नहीं करने देनी है। ये अगर कुछ जानता है तो कभी इस बात को मानने नहीं है कि जानता है। जैसे बाबा साहब के साथ हुआ कि वो दुनिया के पहले नंबर के विद्वान हैं और कोई मानने को तैयार ही नहीं है, यानी उनके मन को मानने में लगे हुए हैं। वो तो शेर के बच्चे थे, सब जानते थे क्या मन होता है क्या नहीं है। हमारा आदमी अगर बाहर अच्छी नौकरी करेगा तो भी उसको काम नहीं देंगे, कोई बहुत अच्छा कलाकार है तो उसको मान सम्मान नहीं देंगे, कह के नहीं उसको फिल्म इंडस्ट्री में लेके नहीं आएंगे, लेबर रखेंगे। ये मन मारने की बहुत सारे तरीके हैं, जो 24 घंटे हमारे लोग इसको देखते हैं, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं। कहीं काम पे जा रहे हैं, अफसर मन मार देगा, अफसर उसकी बात को सही को भी नहीं मानेगा। स्कूल में बच्चा होगा, पता चल जाए कि ये हमारा बच्चा है तो उसकी अच्छी बात को भी उसको दबा देते हैं, उसको प्रमोट ही नहीं करते, आगे बढ़ाते नहीं। तो मन मारने का काम चलता है। मन मारने से वो बोलेगा नहीं। मन मारने का नुकसान ये होगा कि वो घर में चिड़चिड़ा रहेगा, घर में चिड़चिड़ी रहेगी, वो अपना कॉन्फिडेंस खो देगा या खो देगी, उसका कोई भी विश्वास खत्म हो जाएगा, और उसके फिर काम अच्छे नहीं होंगे, उसकी सेहत भी खराब हो जाएगी, उसे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगी, किडनी भी खराब हो जाएगी। मन मारने से आदमी जीता जी होता है मगर वो मरा हुआ होता है, और यहीं से गुलाम बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। वाचसिक हत्या भी यही होती है, बोलने नहीं देगा। आप बोलना चाहते हैं आपको दबा देगा, आप अगर ऑफिस में हैं तो आपको मेमो दे देगा, आपकी अगर आप बोलेंगे कुछ कहना चाहेंगे, सही बात कहना चाहेंगे तो आपको चार्जशीट कर देगा, नोक से निकालने की धमकी देगा, या घुर्राएगा या कुछ करेगा। लास्ट में आता है हाथ छोड़ने का, या डंडे से मारने का, या जान से मारने का, वो लास्ट में आता है। मगर इसका इलाज भी है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ आपको बता रहा हूँ कि ये मानसिक गुलामी कैसे आती है, तो इसका इलाज भी मैं बताऊँगा, क्योंकि बुद्ध ने बताया हुआ है। मन को कैसे मारा जाता है? किसी ने आपको ये कहा कि ये इसके बाल अच्छे नहीं हैं, तो आपने उसकी बात अगर सुनी और आपने अपने बालों पे हाथ लगाया, या शीशे में जाके आपने बाल देखे, या किसी से पूछे मेरे बाल देखना खराब है या अच्छे हैं, या आपने अपना फोटो देखा बाल कैसे हैं, तो फिर आपने अपना मन मार लिया, यानी आपने उसकी बात मान के ग्रहण कर ली, आपके इधर आ गई, अब वो असर करेगी। और किसी ने कहा कि आपके बाल खराब हैं और आपने सुना ही नहीं, आप देखे भी नहीं उसकी तरफ, तो वो बात घूम के उसके ऊपर चली जाएगी और उसको खुद को ही नुकसान करेगी। यानी अगर आपका मन कोई मारता है और आप इस बात को तवज्जो नहीं देते, आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उस बात को नहीं मानते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, तो वो घूम के उसी के पास चली जाएगी और वो उसी को मार देगी। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, जो बुद्ध ने देखा और बताया। यानी आपका मन अगर कोई मारता है तो आपने सुना ही नहीं, आप उसकी तरफ देखें भी ना, उसका जिक्र भी ना करें, घर आके कहें भी ना कि उसने ऐसा कहा, दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए, ऐसे निकले ऊपर से, सामने से निकले, पलट के उसी के पास जाएगी। हाँ, आपने अगर ले ली और उसको रिपीट करते रहे बार बार, उसने मुझे ऐसा कहा,
मैं मेरा कपड़ा ऐसा है, मुझे पहनना नहीं आता, मेरा जूता खराब है, मैं खाना अच्छा नहीं खाता, मैं चपड़े चपड़े खाता हूँ, बहुत सारी बातें दिन में चलती हैं हमारे लोगों को करने के लिए, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है और कोई भी नियम संसार के अंदर फिक्स नहीं है। कोई अंग्रेज कहता हो कि चम्मच से खाना, तू खा भाई खा चम्मच से खा, हमने का मना किया है। हमारे यहाँ तो हाथ से भी खाते हैं, हमारे यहाँ तो हर तरह से खाते हैं, जैसे मिल जाए वैसे खाते हैं, हमारा कल्चर है। इसमें तेरे को बुरा नहीं लगता, तू निकल यहाँ से, हम क्यों निकले यहाँ से, तेरे को चम्मच से पसंद है तो तू जा, हम तो ऐसे ही खाते हैं भाई, और जब तेरे ही आएंगे तब हाथ से खाएंगे तो ये दिक्कत आ रही है, उठ के निकल जाना कहीं बाहर। तो फिर आप उसका मन मारेंगे, उसकी चम्मच फिर आप पे काम नहीं करेगी। वो कहे चम्मच साफ होती है, ये होती है, वो होती है, वो बात अलग है। हम भी हाथ धो के खाना खाते हैं और हमारे भी अंदर बैक्टीरिया से लड़ने की पावर तेरे से ज़्यादा है, क्योंकि हम गंदगी भी खाते हैं उसे भी पचा लेते हैं। जानवर मिट्टी में से खाता है पचा लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसा शरीर बनाओगे वैसा हो जाता है। मगर मन नहीं मरना चाहिए, आप चम्मच से खाओ ना खाओ ये प्रश्न नहीं है, मन नहीं मरना चाहिए, आपको बोलने नहीं देगा। फिर आती है दूसरा, आता है जो बताते हैं अदिन्न दाना वीरमणि। अदिन्न दाना वीरमणि में क्या होता है, बिना दिए कोई चीज़ नहीं लेनी है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो चोरी नहीं करनी है। अब ऐसा क्यों कहा अदिन्न दाना वीरमणि, वो कहते हैं कि आम आदमी अगर चोरी करेगा या बिना दिए किसी की कोई चीज़ लेगा, कहीं पड़ी उठा के लेगा, तो उसके मन में जैसे ही वो लेगा वैसे ही उसका हल्का सा ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे होना शुरू हो जाएगा, चोरी का नाम लेते ही। आप यहाँ बराबर में बैठे हैं, अभी आप ये सोचिए कि बराबर में जो मेरे साथ में कोई स्त्री या कोई पुरुष बैठा हुआ है और उसकी जेब की पीछे की जेब में से अगर 100 का नोट निकल रहा है तो उसको खींचना है या गिरा हुआ है उसको उठाना है या नहीं उठाना है। जैसे ही आप ये सोचेंगे, क्योंकि बिना दिए ले रहे हैं, वैसे ही आप देखिए कि आपके हार्ट बीट पर क्या असर होने वाला है, आपका ब्लड प्रेशर कैसे शूट करता है, आपके शरीर में क्या कंपन होने वाली है। ये बीमारी का पहला लक्षण होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे पड़ता है तब हम हार्ट के पेशेंट होने शुरू होते हैं। जब भी हम अदिन्न दाना करेंगे, बिना दिए लेंगे, बिना दिए कोई सामान लेंगे, तब हमारे शरीर पे उसके प्रभाव आते हैं, और प्रभाव आने से वो ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे करेगा और बीमारी का सिम्टम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, उस चोरी को छुपाने के लिए 50 झूठ बोलेंगे, 50 बातें करेंगे और हम अपने घर वालों से उसको छुपाएंगे, क्योंकि चोरी का पत्नी भी साथ नहीं देती, आप चोरी करके लाओ पति भी साथ नहीं देगा, बच्चे भी नहीं कहते, बच्चे भी कहते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहते कि आप चोरी करो, तो अगर बाप चोरी करेगा या माँ चोरी करेगा तो जो संबंध है बच्चे का और माँ बाप का वो बिगड़ जाएगा, वो कहेगा मेरे माँ बाप झूठे हैं, मुझे तो कहते हैं चोरी ना करो और खुद क्या बोलते हैं चोरी करते हैं, किसी भी तरह की चोरी है तो वो माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, उसकी लिबर्टी ले लेगा। आप ये कहो जैसे घर के अंदर आप कोई सामान है कोई भाई को देना या नहीं देना, रखा हुआ आपके पास सामान, आपने मना कर दिया, तो इसको झूठ बोलना बोलते हैं। तीसरा वाला जो आता है वो आता है मूसा वादा वीरमणि। अगर आप झूठ बोलेंगे बच्चे से या बच्चे के सामने या दफ्तर में या कहीं भी, तो सामने वाला लिबर्टी ले लेगा, आज़ादी ले लेगा आपको दबाने की। जब भी आप कोई बात कैड़े पड़ के कहना चाहेंगे तभी कह देंगे कि आप झूठे हो, आपने वहाँ झूठ बोला, वहाँ झूठ बोला, आप अच्छे इंसान हो ही नहीं। पत्नी से अगर आप ये झूठ बोलोगे कि मैं वहाँ झूठ बोल के ये काम किया मैंने, पत्नी समझ जाएगी या पति समझ जाएगा कि ये पत्नी झूठी है या पति झूठा है, तो झूठे की इज्जत परिवार में नहीं होती। आप कहो कि मैं कमाने के लिए झूठ बोला है, तो झूठ तो आपने बोला, इसका मतलब आप झूठे हो, आपका यकीन ख़त्म हो जाएगा, और जिसका यकीन ख़त्म हो जाता है, जिसका विश्वास ख़त्म हो जाता है, उसका फैमिली ख़त्म हो जाती है, और जिसकी फैमिली ख़त्म हो जाती है उसका संगठन ख़त्म हो जाता है, और जिसका संगठन ख़त्म होता है उसका समाज ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ आज जैसे पैंथर जी हैं और पैंथर जी यहाँ आपसे झूठ बोल के कुछ करें, कुछ उल्टा सीधा काम करें, तो अगली बार आप यहाँ इकट्ठे नहीं होने वाले, सच बोल के करेंगे तो अगली बार ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी। तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, ये तीसरा सील है। सील उसको बोलते हैं जो हमारा मन ये कहता है कि ये काम अच्छा है और ये काम खराब है, उसको सील बोलते हैं। और सील बाद में जाके सीलंग भी हुआ है और शैल भी हुआ है और शैब भी हुआ है, यानी सील के, शय हमारा वर्ड नहीं है पाली में, इसलिए सील के बहुत सारे रूप बाद में आए हैं। मन जिस बात को ये कहता है कि ठीक है वो सील होता है, और जिसको ये कहे ये ठीक नहीं है वो सील नहीं होता। चौथा सील जो आता है वो हमारा, वो आता है कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि। कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि का मतलब ये है कि हम कोई भी ऐसा व्यवहार जो कामवासना से लिप्त है या ऐसा व्यवहार जो हमारे आचरण में नहीं आता है, यानी कि कोई भी व्यवहार जो प्रकृति के अगेंस्ट में और मन जिसको ये कहता है कि ये ठीक नहीं है उसको नहीं करना है। अगर आप उसको करोगे आपके बच्चे उसको 100% करेंगे। आप अपने बच्चे से कितना ही कहते रहो कि भाई अगर घर में चाचा आया है और चाचा ने कुछ मांगा है या ताऊ आया है उसने कुछ मांगा है या कोई और पड़ोसी आया है और आपने घर में चीज़ रहते हुए भी उसको मना झूठ बोल दिया कि हमारे घर में नहीं है, तो वो आचरण आपका ठीक नहीं है। तो बच्चा उसकी लिबर्टी ले लेगा कि माँ बाप घर में चीज़ होते हुए भी दी नहीं है, आपको मना करना, आप स्पष्ट कहो कि हमारे काम की है हमें नहीं देनी है, तो
तो आप अपने बच्चे को अपनी फैमिली को बचा लेंगे। मगर अगर आप झूठ बोल के बचाएंगे तो बच्चा जब चोरी करेगा घर में या बाहर कोई हरकत करके आएगा तो वो ये जानता है कि उसके माँ बाप का आचरण ठीक नहीं है, वो भी ऐसा झूठ बोलते हैं, वहाँ से वो सीखा है, तो वो ऐसा ही बोलेगा और आपको पता नहीं चलेगा। आप बाद में भले ही दुख होते रहें कि पता नहीं ये किस पे गया है, ये कैसा बच्चा है, हम तो कभी झूठ बोलते नहीं, ये तो हमेशा झूठ बोलता है। आपने कभी चेक ही नहीं किया घर में कि आप कितना आचरण खराब करते हैं कितना नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातों में आप जो आचरण खराब करते हैं उस आचरण की वजह से आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और संगठन भी नहीं बन पाएगा। तो महापुरुषों की ये चार बातें हैं, और पांचवी जो बात है महापुरुष की वो पंजाब में बड़ी लागू होती है, वो है सुरा मेर मज्ज पमादिठाना वीरमणि, यानी सुरा मेर मज्ज पमादिठाना वीरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी। सिक्खा सभी में है, सिक्खा पतंग समाधियामी मतलब इन पदों की मैं शिक्षा लेता हूँ, इस बात की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ व्रत रहने की, इनसे अलग रहने की। तो पांचवी बात इसलिए है क्योंकि इन पांचों चीज़ों का भारत में चलन नहीं था, ये ध्यान रखना इस बात को। भारत में पानी बहुत था, भारत गर्म देश है, भारत के अंदर फल फ्रूट बहुत है, खेती की जमीन बहुत है, भारत के अंदर जानवर बहुत हैं, दूध और दही बहुत है, तो भारत में लोग कम थे और उन सबके पास में बहुत खेती थी, यानी जो जितना खेत बना सके बना ले, खेत को ही खेतिया बोलते थे, बाद में इसको क्षेत्रिया कहा गया। तो जितने लोग थे उनके पास में इतना धन धान्य, यानी धन धान्य का मतलब है धन नहीं होता था, धान को धन्य बोलते थे, धान जो चावल होता है उसको धन्य बोलते थे, वहीं से धन बना है, वहीं से धनवाद बना है, वहीं से धन्यवाद बना है। तो वो सारे सारे जितने लोग थे वो आपस में बांटते रहते थे और चीज़ें ख़त्म नहीं होती थी। तो कोई चोरी करेगा क्यों, चोरी तो जब करेगा जब चीज़ कम होगी। वो इतना ज़्यादा क्योंकि उनका सबका एक पत्नी होती थी और वो उनकी इच्छा से आती थी, जिसको कहते हैं ना वर, स्वयंवर जो बोलते थे, वर माने श्रेष्ठ, यानी कि लड़की अपने आप पति को चुनती थी, उसकी इच्छा होती थी कि वो अपने लिए एक पति चुने, तो व्यभिचार नहीं होता था क्योंकि इच्छा से चुना है तो व्यभिचार नहीं होता था। तो झूठ नहीं बोलता था क्योंकि झूठ बोलना कोई यहाँ जानता भी नहीं था, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। झूठ आदमी जब बोलता है जब उसे किसी काम के लिए रोका जाए या उसके मन जैसा कोई काम ना हो, तो यहाँ कोई रोकता नहीं था, जिसको जो करना है करे, ऐसा भी था। यहाँ आचरण सबके बहुत अच्छे थे महिलाओं के, क्योंकि यहाँ महिला प्रधान देश होता था, कुल माता होती है, कुल माता घर में घर को चलाती है, पुरुषों का घर के अंदर कोई लेन देन नहीं होता था पुराने समय में, पुरुष बाहर का काम देखेंगे, जंगल का, खेत का, और महिलाएं घर का, तो कुल माता हुआ करती थी और कुल माता की घर में पूरी चलती थी। ये चार बातें थीं। यहाँ शराब भी नहीं थी, यहाँ शराब का शब्द भी नहीं था, सुरा जो शब्द है वो बाहर से आया, भारत में कोई नहीं जानता कि शराब कैसे होती है क्या नहीं होती है। ये पांचों बातें जो यरूशलम में लोग रहते थे, जो पहाड़ों के रास्ते इधर आए, यरूशलम के लोग जो थे उनके यहाँ ये बातें होती थी। वहाँ 103 मूर्तियाँ थीं जो पूजी जाती थीं, भारत में कोई मूर्ति नहीं थी जो पूजी जाती थी, यहाँ पूजा कभी नहीं होती थी। यहाँ तो अगर पूजना का मतलब होता है मान सम्मान करना, पाली के अंदर पुरानी भाषा में पूजमी का मतलब, पूजे का मतलब मान सम्मान है, यानी सब एक दूसरे का मान सम्मान यहाँ करते थे। यहाँ शराब नहीं होती थी, वहाँ जुआ होता था, वहाँ ब्याज पे पैसा उठता था, वहाँ पे एक दूसरे की औरतों को उठा के ले जाते थे, वहाँ शादियाँ नहीं करते थे लोग। तो ये सारे जितने भी व्यभिचार हैं सारे वहाँ से होते थे। वो लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि ये लोग समूह में रहते हैं, सब अपना खाते पीते हैं, और यहाँ बड़ा पानी और बड़ा फल फ्रूट और जानवर भी हैं, जानवर को वो मार के खाते थे, हम जानवर को मार के नहीं खाते थे, हम जानवर का दूध दही खाते थे, मर जाए अपने आप तो खाते थे, यानी हम मरा हुआ खाते थे, हत्या नहीं करते थे। इसलिए हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं वो मरे हुए का मांस खाते, जानवर अभी मरा तो उसका मांस काट लिया, फिर वो मट्टी होता था, इसलिए हत्या नहीं करते थे मगर मांस खाते थे, ये बात थी। या चील कोई मांस छोड़ गई उसको खाते थे, या शेर ने कोई शिकार किया उसे छोड़ गया मरे हुए को तो उसे खाते थे, या कोई जानवर फंस के अपने आप मर गया उसको खाते थे, ये हमारे यहाँ मांस खाने का तरीका होता था। तो वो लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने हमको गुलाम बनाने के लिए हमसे युद्ध किया। अब युद्ध में तो जीत नहीं पाया क्योंकि संख्या हमारी बहुत ज़्यादा थी और वो तो बित्ते भर के थे, यानी हजार में एक समझो, अगर आज तो वो हजार में कुछ ज़्यादा हैं, उस समय हजार में एक समझो तो क्या जीतते। तब उन्होंने अपनी ये पांचों चीज़ हमें दी, ये शराब हमें दे दी, ये व्यभिचार हमें दे दिया, ये झूठ बोलना हमें दे दिया, ये हत्या का हमें दे दिया, और ये चोरी हमें दे दी। इन पांचों गुणों को हमें देने के बाद में हम कमज़ोर पड़ते चले गए मानसिक रूप से। जो आदमी घर में शराब पीता है अपने बच्चे से कहता है कि शराब का गिलास लेके आ, या बर्फ़ लेके आ, या सोडा लेके आ, या खाना लेके आ, वो अपने बच्चे को कभी नहीं रोक सकता शराब पीने से। और फिर वो ये कहता है अरे इसने कब पीनी शुरू कर दी मुझे पता नहीं चला, ये तो बड़ा नालायक है। अरे भाई तुम घर में बैठ के पियोगे, उसने तो आज़ादी ले ली,
तुम उसे रोक ही नहीं सकते, आपका रोकने का तो अधिकार ही खत्म हो गया, वो तो लिबर्टी ले गया। आप जब उसको कहोगे आप शराब कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, आप मुझे एक भी भारत में ऐसा आदमी दिखा दो जो अपने बच्चे को पैदा होते ही कहता हो कि इसको शहद की जगह शराब चखाओ, बल्कि शराब को चोरी छुपे लोग खरीदते हैं, शराब को कभी जसनी, हाँ शराबी तो बैठ जाए तो जरूर कहेंगे कि मेरा पटियाला मेरा फगवाड़ा, बाकी अगर वो कहीं जिक्र करें तो कभी नहीं कहते। बीवी भी इज्जत नहीं करती उसकी क्योंकि शराबी आदमी है, मोहल्ले में कोई नहीं करता, और दो शराबी कितने ही अच्छे दोस्त हों वो कभी एक दूसरे को अपने घर नहीं लेके जाते, कहते बड़ा गंदा है शराबी आदमी है, शराबी दूसरे को कह रहा है शराबी आदमी है, इसको मत रखना पास में, ये तो गंदा आदमी है, तो इज्जत ही नहीं मिलेगी आपको कहीं। ये पांचों गुण जो रखेगा उसको कहीं इज्जत नहीं मिलेगी किसी भी तरह से, उसके घर में भी इज्जत नहीं मिलेगी। आप अपनी पत्नी से पूछ लेना, आप अपने पति से पूछ लेना, जो अगर कोई महिला पीती हो, क्या तुम शराब को अच्छा मानती हो, मुझे इज्जत करती हो, या मैं चोरी करके लाऊं तो क्या इज्जत करोगी, क्या मैं झूठ बोलूं तो इज्जत करोगी, इन पांचों में से कोई भी, मतलब करने वाला भी ये कहता है कि जी नहीं नहीं ये अच्छा अच्छा काम नहीं है, ये कमाल की बात है। दो चोर चोरी करने वाले साथ साथ चोरी करें, रिश्ता नहीं करेंगे आपस में, कहेंगे चोर है ये, मैं नहीं करता, मैं तो किसी अच्छे से करूँगा। जो डॉन है पिक्चरों का, जो डॉन होता है, या मुंबई के अंदर डॉन है या दुबई के अंदर डॉन बैठा हुआ है, वो भी पिक्चरों में देखा होगा, अपनी लड़की के लिए अपनी सिस्टर के लिए बड़ा अच्छा लड़का ढूंढता है। अरे भाई चोर ढूंढना, डॉन ढूंढ, शराबी ढूंढना, तो क्यों ढूंढ रहा है ऐसा? इसलिए ये ध्यान रखें कि ये पांचों गुण हैं किसी महापुरुष में नहीं है, इसलिए वो महापुरुष हैं, इसलिए वो जीते। डॉक्टर अम्बेडकर जब वहाँ कोलंबिया में थे या लंदन में थे, अगर वो वहाँ वो शराब गिलास चटका रहे होते या मेमो के साथ घूम रहे होते, तो क्या गांधी से और नेहरू से आँख मिला के बात कर सकते थे? इवन नेहरू और गांधी उनसे आँख मिला के बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि शुद्ध आदमी है, इसका क्या बिगाड़ लेंगे हम, खाता ये नहीं पीता नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है, इसमें कोई ऐब नहीं कोई बुराई नहीं, इसका क्या कर लेंगे हम, कुछ नहीं कर सकते। जो शुद्ध और सीधा आदमी होता है, बढ़िया आदमी होता है, जिसमें ये पांचों गुण होते हैं, आप यकीन मानना बाकी लोग उससे ना 6-6 मीटर दूर भागते हैं, उसके पास भी नहीं आते, उसमें इतनी ताकत आ जाती है, जिन्हें कहाँ से वो ताकत आती है नेचुरल, को भागते दूर, कहते नहीं नहीं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि अगर चार शराबी बैठ जाएं और पांचवा बंदा बैठ जाए जो शराब ना पीता हो, तो उसे क्या कहते हैं, भाई चख ले बस तू थोड़ी सी, ऐसा कर होठ से लगा ले, बट तू पीता नहीं हमें पता है, बस होठ से लगा ले, बस गिलास होठ से लगा ले भाई और कुछ नहीं। क्यों लगवाते हैं होठ से? कहते हैं कल वो कहीं अगर कहेगा हमसे कि तुम शराब पीते, हम कहेंगे तूने भी तो चखी थी, होठ से तो लगाई थी। इसलिए उसको करप्ट करते हैं ताकि वो आँख में ना मिला सके, वरना वो जहाँ भी जाएगा सीने की तरह चौड़ता हुआ जाएगा और कहेगा अरे तुम तो पीते पाते रहते हो भाई, इतना एक सेंटेंस कहना है, उनका आधा बल उसके अंदर आ जाएगा। ये कमाल की बात है। अगर कोई चोरी करता है, क्योंकि सरकार या कोई भी अगर ऐसा है, अगर वो आपको चोरी करने के लिए या शराब पीने के लिए कह रही है, तो आप सावधान रहो कि भाई शराब बिक रही है, शराब गवर्नमेंट चाहती है आप शराब पियो, आप ना पियो बेहतर है, क्योंकि आप शराब पियोगे तो आप आपका मनोबल कमज़ोर हो जाएगा, आप लड़ नहीं पाओगे। जो अभी यहाँ आप कह रहे थे कि दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की सत्ता छोड़ो, गांव की सत्ता, उन्हां दा प्री निर्माण दिवसिया, उन्हां दे उत्ते यही संकल्प करिए कि असी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोसाइटी दसो ना।